अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एनदीन किब्जई और सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल को भी देखेंगे। अब देखिए, आपके पास्ट पेपर्स में एक करेक्शन जो काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है, दैट इज़ करेक्शन रिलेटेड टू सिंस एंड फॉर। ठीक है, अब सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस है और आप उन्हें कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हम ये रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, इजीली आप उसको करेक्ट कर सकेंगे। तो चलें सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंस को। अब सिंस हम तब यूज़ करते हैं कि जब आप कहते हैं कि कोई काम कब शुरू हुआ, राइट? यानी जब आप ये बताते हैं किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर हम यूज़ करेंगे सिंस। अब कैसे, देखें, हम इसे यूज़ करते हैं जब हम बात करेंगे किसी काम के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, जब हम बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। अब फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मैं 9 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है? अब 9 बजे से पढ़ रहा हूं, इट मींस मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह काम शुरू कब हुआ, यानी मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। तो अगर मैं यूज करूंगा 9 o'clock, तो उसके साथ मैं यूज करूंगा सिंस, ठीक है? अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, अब 2005 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पढ़ाने वाला काम शुरू कब हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट 2005 सिंस। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जून से फलां कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब जब आप जून के बारे में देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि ये काम शुरू कब हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, तो फिर अगेन हम यूज करेंगे सिंस, ठीक है? मैं कहता हूं कि मैं मंडे से लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा, मंडे जब यूज हो रहा है, इट मींस वो मुझे बता रहा है कि लेक्चर्स रिकॉर्ड होना जब शुरू हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कौन सा दिन था, मंडे, ठीक है? यानी वो सारी चीजें जो आपको ये बताएं कि कोई काम शुरू कब हुआ, यानी वो आपको बताएं स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, तो उससे रिलेटेड हम यूज करेंगे सिंस। फिर जब हम बात करते हैं फॉर के बारे में, फॉर हम तब यूज करते हैं कि जब हमें ये नहीं बताया जाता कि कोई काम शुरू कब हुआ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि किस चीज के बारे में बता रहे हैं, ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? यानी उसका कितना दौरानिया है, कितना वक्त हुआ है, ठीक है? तो जरा नोट करें, उसके बाद एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं कि फॉर आप तब यूज करते हैं जब आप बात करें ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है, यानी जब आप दौरानिया बताएं। अब मैं कहता हूं कि मैं 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, अब यहां पर यह पता नहीं चल रहा कि कब से, हाँ यह जरूर पता चल रहा है कि कितनी देर से, ठीक है? तो फिर अगर मैं यूज करूंगा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स क्या है, ड्यूरेशन है, तो फिर मैं इसके लिए यूज करूंगा फॉर।
राइट right? अच्छा मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं. 2 आवर्स. अब 2 घंटे अगेन मुझे ये नहीं बता रहा कि कब से, हाँ लेकिन मुझे ये जरूर बता रहा है कि कितनी देर से, मुझे ड्यूरेशन बता रहा है. इसलिए 2 आवर्स के लिए भी मैं यूज करूंगा फॉर. अच्छा मैं कहता हूं कि मैं 2 हफ्ते से यहां पर पढ़ा रहा हूं. अब जब हम कहेंगे 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते आपको ये नहीं बता रहे कि पढ़ाना कब शुरू किया, बल्कि वो आपको ये बता रहे हैं कि पढ़ाते हुए कितना अरसा हो गया है, ड्यूरेशन कितना है. तो फिर हम यूज करेंगे फॉर 2 वीक्स. ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल. सिक्स मंथ्स. ठीक है, कोई कहता है कि मैं इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में 6 महीने से पढ़ रहा हूं. अब 6 महीने आपको ये नहीं बता रहे कि कब से पढ़ना शुरू किया, बल्कि वो आपको बता रहे हैं कि कितना दौरानिया हुआ है, ड्यूरेशन कितनी है. तो जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, ये एक सिंपल सा पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि अगर वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है आप यूज कर लें सिंस, अगर वो आपको ड्यूरेशन बता रहा है तो आप यूज कर लें फॉर. ठीक है, यहां पर आपने फोकस करना है किस चीज पर, स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन पर. अच्छा अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं करेक्शन से रिलेटेड और देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है. देखिए सेंटेंस है मेरे पास कि ही हैज बीन रीडिंग ए बुक डैश -50 मिनट्स. राइट, अब अगर आप देखें यहां पर वो आपको बता रहा है 50 मिनट्स. तो 50 मिनट्स आपको ये नहीं बता रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बल्कि 50 मिनट्स आपको बता रहा है किस चीज के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में. तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर 50 मिनट्स. ठीक है, अच्छा अगर हम यहां पर 50 मिनट्स की जगह लिखें मॉर्निंग यानी सुबह से, तो जब सुबह से हम बात करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्निंग हमें ये नहीं बता रहा कि कितना अरसा हुआ है, बल्कि मॉर्निंग हमें बता रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था. तो चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट यूज हुआ है मॉर्निंग, तो हमारे पास यहां पर हम लिख लेंगे सिंस. राइट, तो ये एक सिंपल रूल आपने माइंड में रखना है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट है आप यूज कर लें सिंस, और अगर ड्यूरेशन बता रहा है तो आप यूज कर लें फॉर. राइट, ये था हमारा सेंटेंस करेक्शन का रूल नंबर 8. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.